हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इंद्रपाल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है रजिस्टर बटन इनेबल करें अपने माय अकाउंट पेज पर। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी आप वूकॉमर्स के प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है माय अकाउंट पेज पर रजिस्टर बटन अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि आप मेरे केस में देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ लॉगिन बटन दिखाया जा रहा है, जबकि मैं नया अकाउंट क्रिएट करना चाहूँगा तो वो मैं अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, रजिस्टर बटन कैसे इनेबल करें आपके माय अकाउंट पेज पर या फिर रजिस्टर पेज पर, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रजिस्टर बटन इनेबल करने के लिए चलिए हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में। तो जैसे कि दोस्तों, मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ चुका हूं। यहां पर दोस्तों आपको वूकॉमर्स की सेटिंग्स में आना है। वूकॉमर्स की सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहां पर अकाउंट एंड प्राइवेसी एक टैब है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इनेबल करने, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दोस्तों इनेबल करने होंगे आपके हिसाब से। जैसे कि चेकआउट, चेकआउट में पहला दिया गया है अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट अकाउंट। मतलब अगर आपका कोई कस्टमर है वो ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, वो बिना अकाउंट के भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अगर आप दोस्तों इसको इनेबल करना चाहते हैं तो इसको इनेबल रखिए। अगर आप इसको इनेबल नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके यूजर्स जो है अकाउंट क्रिएट करें आपकी वेबसाइट पर, तो इसको डिजेबल कर दीजिए। तो सिंपली हम इसको जो है डिजेबल कर देते हैं। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों अलाउ कस्टमर टू लॉग इन इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। मतलब दोस्तों उनका ऑलरेडी कोई अकाउंट आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो चेकआउट करने के टाइम पर उनको लॉग इन कर सकते हैं उनके एग्जिस्टिंग अकाउंट से, तो उसको आपको इनेबल कर देना है। अकाउंट क्रिएशन में ऑप्शन में आपको आना है। अकाउंट क्रिएशन ऑप्शन में जैसे कुछ ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर इनेबल और डिजेबल करने होंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है दोस्तों अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, तो आपको यहाँ पर जो है इनेबल कर देना है। दोस्तों जब वो चेकआउट करेगा तो उसको जो है अकाउंट क्रिएट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माय अकाउंट पेज, इसको आपको इनेबल करना है। जैसे ही आप इनेबल करेंगे दोस्तों, तो आपका जो माय अकाउंट पेज है यहाँ पर आपको रजिस्टर बटन भी आ जाएगा, तो इसको आपको इनेबल कर देना है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट माय अकाउंट यूजर नेम। मतलब दोस्तों कोई कस्टमर आपका अकाउंट क्रिएट करेगा आपकी वेबसाइट पर, तो उसका जो यूजर नेम होगा या फिर जो ईमेल आईडी होगा उसके आधार पर वो उसका यूजर नेम क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसको आपको डिजेबल करके रखना है, क्योंकि यूजर नेम वो फिर से चेंज नहीं कर पाएगा इस वजह से। ठीक है, चौथा ऑप्शन है दोस्तों व्हेन क्रिएटिंग अकाउंट जनरेट पासवर्ड ऑटोमेटिकली, इसको भी आपको डिसेबल करना है। क्योंकि दोस्तों अगर ये दोनों ऑप्शन आप इनेबल करके रखेंगे तो कस्टमर को जो है ऑप्शंस नहीं मिलेंगे उनका पासवर्ड सेट करने के लिए। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन आपको जो है डिसेबल कर देने हैं, और आपको कुछ इस तरह की सेटिंग्स आपकी वेबसाइट पर करनी है। आपको यहाँ पर सिंपली अभी कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको जो है सेव कर देना है सेटिंग्स को। आपको यहाँ पर एडवांस बटन पर क्लिक करना है, और आपके जो भी पेजेस हैं वो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट कर देने हैं। जैसे कि कार्ट पेज में कार्ट का पेज होना चाहिए, चेकआउट पेज में चेकआउट, और आपके माय अकाउंट पेज में माय अकाउंट का पेज होना चाहिए। ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशन में आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फिर से अकाउंट एंड प्राइवेसी पर आना है, और आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, आपको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज सेलेक्ट करना है, और आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो ऑलमोस्ट सभी सेटिंग्स आपकी जो है हो चुकी है आपकी वेबसाइट पर। अगर आप अभी माय अकाउंट पेज पर जाएंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये टैब ऑप्शन है, तो अगर मैं रजिस्टर बटन पर क्लिक करूँगा तो रजिस्टर ऑप्शन भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर यूज़र आपका नया अकाउंट क्रिएट कर सकता है अपने हिसाब से। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पर जो है रजिस्टर बटन इनेबल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ सुझाव या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों पर्सनली आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरह के वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।